नमस्कार, मैं हूं विजया और आप देख रहे हैं फिल्मी बीट। सड़क 2 में हॉट आइटम नंबर करते नजर आएंगे बॉलीवुड के बाबा संजय दत्त। जी हाँ, संजय दत्त ने एक समय में कई फिल्में साइन की हैं, लेकिन संजू बाबा इस समय साल 1991 में आई अपनी सुपरहिट फिल्म सड़क को लेकर बहुत ज्यादा सुर्खियों में आ चुके हैं। इस फिल्म की शूटिंग शुरू हो चुकी है। शूटिंग शुरू होने की जानकारी सड़क 2 के मेकर्स ने सोशल मीडिया के जरिए फैंस को दे दी थी और अब सड़क 2 और संजय दत्त से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जी हाँ, खबरों की माने तो इस फिल्म में संजय दत्त एक आइटम नंबर का हिस्सा बनते नजर आएंगे। सोर्सेज की माने तो हाल ही में संजय दत्त ने महबूब स्टूडियो में एक एक्ट्रेस के साथ आइटम नंबर शूट किया है, जिसमें वो एक्ट्रेस के साथ डांस नंबर करते नजर आएंगे। फिल्म का ये आइटम नंबर एक पप्पी सॉन्ग होगा। उम्मीद की जा रही है कि दर्शकों को ये गाना बहुत पसंद आए। सड़क 2 के लिए जब ये गाना शूट हो रहा था, तब उनके साथ उनकी को स्टार पूजा भट्ट भी मौजूद थी। पूजा भट्ट की निगरानी में गाना शूट किया गया। वैसे आपको बता दें, ये गाना शूट करने के बाद संजय दत्त अपने परिवार के साथ यूरोप में छुट्टियां मनाने के लिए रवाना हुए हैं। सोशल मीडिया के जरिए संजय दत्त अपनी वाइफ मान्यता दत्त और बच्चों की तस्वीर सामने आई है। खबरों के अनुसार तकरीबन एक हफ्ते के लिए संजय दत्त अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाने के लिए यूरोप गए हुए हैं। छुट्टियों से लौटने के बाद तुरंत वो फिर से सड़क 2 की शूटिंग में बिजी हो जाएंगे। सड़क 2 की शूटिंग शुरू करने से पहले संजय दत्त करण जौहर की फिल्म कलंक में नजर आए थे। इस फिल्म में उनके साथ आलिया भट्ट भी नजर आई थी। बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। सड़क 2 के अलावा संजय दत्त ने शमशेरा भी साइन की है। इस फिल्म में वो रणबीर कपूर के साथ नजर आएंगे। साथ ही संजू बाबा अर्जुन कपूर के साथ पानीपत में भी काम करते दिखाई देंगे। इस फिल्म का निर्देशन आशुतोष ग्वारिकर कर रही हैं। तो ये है संजय दत्त से जुड़ी एक बड़ी खबर। संजू बाबा अब आइटम नंबर करते नजर आएंगे फिल्म सड़क 2 में। इसके अलावा आपको बता दें, इस फिल्म की सबसे बड़ी अट्रैक्शन है आलिया भट्ट भी। आलिया भट्ट इस फिल्म के जरिए अपने पापा के साथ काम करने जा रही हैं। इस फिल्म की शूटिंग शुरू हुई तो उन्होंने एक बहुत ही इमोशनल नोट भी लिखा सड़क 2 को लेकर। वो इस फिल्म में आदित्य रॉय कपूर के साथ नजर आएंगी। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही।